नमस्कार साथियों, श्री देव हनी फार्म के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी शहद और अपने वाइल्ड हनी के बारे में बताया था। आज हम आपको कश्मीर हनी, वाइट कश्मीर हनी शहद के बारे में वो बताएंगे। ये जो शहद है, ये कैसे, किन वनस्पतियों से आता है, कौन से मंथ में ये निकलता है और इसके क्या बेनिफिट हैं, किस किस फ्लावर के इसमें शहद आता है, तो मैं आपको इसके बारे में सब जानकारी दूंगा। सेम वही प्रोसेस हमने इसमें भी किया हुआ है, अपने इन दोनों लीफलेट में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हमने इसके बारे में बताया है, टेस्ट के बारे में, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, किस किस से आता है। अब ये जो शहद है, ये शहद आता है आपका श्रीनगर से ऊपर का, वहाँ के जो पहाड़िए हैं, जो वहाँ की वनस्पति है, जब वहाँ पर जैसे बर्फ़ पिघल गई और उसके बाद लगभग ये मान के चलो आप 20 मार्च के बाद अप्रैल के अंदर ये शहद वहाँ पर निकलता है, जिसके अंदर आपके उस टाइम जो वहाँ पर वनस्पति जैसे सेब, केसर, आपका बादाम, सब जो छोटी छोटी घास, छोटे छोटे फूल होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा उन मधुमक्खियाँ उनके ऊपर काम करती हैं, उनसे अपना कलेक्ट करती है नेक्टर, वो शहद इसमें इकट्ठा किया जाता है छत्तों में और उसके बाद वो निकाला जाता है, जिसको हम वाइट कश्मीर हनी के नाम से जानते हैं। इस वाइट कश्मीर के नाम से आपको बहुत कंपनी अलग अलग शहद देती है, मार्केट में काफ़ी कंपनी हैं जो देती हैं शहद, लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, आप जब वैरायटी में किसी भी कंपनी का, जो कंपनी वैरायटी में काम कर रही है, वो आप लेंगे और उसको पता होगा कि हाँ जी ये शहद आप खाइए और इसका ये टेस्ट मिलेगा आपको, वैसे ही हर एक शहद का अपना अपना टेस्ट है। जब आप वाइट कश्मीर का टेस्ट कर चुके होंगे तो कोई कंपनी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि आपको पता है कि वाइट कश्मीर शहद का टेस्ट क्या है। ये जो शहद है बच्चों के लिए बिल्कुल टॉनिक, एक अमृत, ये जैसे कश्मीर को जो कहा गया है ना स्वर्ग कहा गया है, तो स्वर्ग में जो अमृत है वो ये है, वहाँ का जो अमृत है वो ये है, वहाँ की वनस्पति को आप इसे टेस्ट करोगे तो पता लगेगा आप वहाँ, और इसको आपने एक बार टेस्ट कर लिया आप इसे खाते ही रहोगे, इतना अच्छा टेस्ट है इसका। बच्चे जो शहद नहीं खाते, जो कि नहीं पापा मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी जो है बच्चों के पीछे लगी रहती है बेटे शहद खा ले तो सही रहेगा सर्दियों में, लेकिन वो नहीं खाते, लेकिन अगर आपने उनको ये शहद एक बार टेस्ट करा दिया तो वो इसे छोड़ेंगे ही नहीं। और उनके लिए, बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न जो है, आप ग्रोइंग जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो एजुकेशन में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़। इसको आप दूध में, ठंडे दूध में, गर्म दूध में, आप इसे चीनी की जगह, शुगर की जगह यूज़ करके दे सकते हो, ब्रेड पे आप इसको दे सकते हो। और इसके जो बेनिफिट हैं वो हमने इसमें दी हुई हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि ये एक तरह से अमृत है। ये भी शहद सभी बढ़िया हैं, हर एक शहद की अपनी 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 एक क्वालिटी है, अपना एक उसके बेनिफिट हैं, क्योंकि निकल तो कहाँ से आ रहा है, फूलों से ही आ रहा है, हर एक शहद जो है अलग अलग फूलों से आ रहा है, फ़र्क ये है बस, और सबका उसी अकॉर्डिंग कलर अलग होता है कि उसका जैसे जिससे उससे निकला उसका कलर वैसा आ गया। तो इसलिए ये ऐसे कश्मीर शहद है हमारा, जो भारत का एक अच्छा, ये भी एक वैरायटी में है, वही मैंने आपको बताया कि भारत एकमात्र देश ऐसा है पूरे विश्व के अंदर जहाँ इतनी वैरायटियाँ मिलती हैं शहद की, कि अलग अलग वनस्पतियाँ आप जहाँ मर्जी चले जाओ लेकिन हमें मालूम ही नहीं है एक्चुअल में कि है क्या, हमें तो सिर्फ एक पता है कि शहद है, ऐसा नहीं है, वैरायटियाँ बहुत हैं, बहुत वनस्पतियाँ हैं, बहुत फ्लावरिंग है, और सबसे अलग अलग शहद है, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं। ऐसे ही इसे जब ये शहद निकल लेगा, मैं आपको उसके बारे में भी वहाँ पर एक बार ले जा कि आपको कैसे शहद निकलता है, बी फार्म पे, अपनी फार्म पे, अपने भाई लोग जिनसे हम कलेक्ट करते हैं उनकी फार्म पे जाके आपको दिखाएंगे कि भाई ये है, ये ऐसे शहद निकल रहा है, ये आपको हम दिखाएंगे इन फ्यूचर, अगले आने वाले टाइम में साथ रहा हमारा, हम लोगों का आपस में मिले रहे हम, तो बिल्कुल दिखाएंगे आपको। इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद सुनते हैं।